धनतेरस कृतिक कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दीपक बना ले और बाद में रात में जीवने के बाद सिर्फ औरतें दीपक का पूजन करें और दीपक में तेल डालकर अपने चारों बत्ती डालकर और कोड़ी में छेद कर दीपक जला दें, जल का छींटा दें और रोली और चावल सुहाली ये जो गुड़ वो भी हो जो कुछ भी हो ये इसकी पूजा का सामान रख दें और इसे धनतेरस के दिन बर्तन चांदी के जो भी मंगवाने हो वह मंगवा लेने चाहिए और पूजा करनी चाहिए और झाड़ू जरूर ही मंगवानी चाहिए। तो अब धनतेरस की कथा, आप कैसे को हो तो धनतेरस की कथा सुनो। जय धनतेरस, पहले जय धनतेरस। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उत्तर मत देना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद उख तोड़कर चूसने लगी और तक्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। श्राप वह किसी को श्राप श्राप देना। जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो, मतलब जिसका नुकसान करा उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान सरिस सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन देने से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने के लिए तैयारी हुई, किंतु किसान ने रोक लिया उसे। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी की नहीं जाने दिया। तब लक्ष्मी बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो तो इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक नहीं जाऊंगी। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियां डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को अगत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी ने उसे 4 बुझाएं किसकी थी, मतलब पूछा, वह 4 बुझाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी थी। गंगा जी बोली, तुम्हें घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है, मतलब जो हैं दोनों जने हैं वह विष्णु भगवान और लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की इसमें पूजा होती है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसे बात ही निर्धन हो जाओगे, मतलब जच लेंगे तो निर्धन हो जाओगे, उसे अपने घर में ही ऐसे ही बनाए रखना, हे माँ लक्ष्मी ऐसे ही हमारे घर में रहना। यह सुनकर वह लौटा और भगवान से बोला, माँ लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया और इनको मेरा साप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान के हट पूर्वक पुन कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुन लो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, मतलब साफ सुथरा रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ, जैसे जला रखा ऐसे ही रात्रि को दीपक जलाना कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और इतना कहकर सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए और दूसरे ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका धन धान्य से पूर्ण हो गया, मतलब उन्होंने जैसे कहा वैसे ही पूजा की। तो इस भांति हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इव तो पूरे देश में धनतेरस के दिन
पूरी पूजा पाठ की जाती है और हे माँ लक्ष्मी जैसे उनके घर में रही और उनका घर धन धान्य से किया, ऐसे ही जो कथा सुन रहे हैं और जो कह रहे हैं उनके घर को भी धन धान्य कर देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आज के वीडियो में इतना है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना।